रजिस्ट्रेशन ऑफ द पार्टनरशिप फॉर्म. सो लीगली इट इज़ नॉट कंपल्सरी फॉर द पार्टनरशिप फॉर्म टू गेट इट्सेल्फ रजिस्टर्ड, बट देन ऑल्सो पार्टनर प्रेफर्ड टू गेट देम गेट द फॉर्म रजिस्टर्ड बिकॉज एन अनरजिस्टर्ड फॉर्म सफर फ्रॉम द फॉलोइंग सीरियस प्रॉब्लम्स. ओके, तो इसमें क्या होता है कि लीगली क्या है, कोई भी पार्टनरशिप फॉर्म के लिए ये कंपल्सरी नहीं है कि वो क्या करें, कहीं भी उनका रजिस्ट्रेशन हो. बट देन ऑल्सो पार्टनर प्रेफर, जो पार्टनर है वो क्या करते हैं, अपने फॉर्म को रजिस्टर्ड कराना चाहते हैं बिकॉज एन अनरजिस्टर्ड फॉर्म सफर फ्रॉम द फॉलोइंग सीरियस प्रॉब्लम. कि अगर कोई फॉर्म अनरजिस्टर्ड है वो बहुत सारे प्रॉब्लम्स से सफ़र करती है. सो कंसीक्वेंसेस ऑफ द नॉन रजिस्ट्रेशन, तो रिजल्ट क्या होगा जब कोई भी फॉर्म रजिस्ट्रेशन नहीं कराती है. सो अ पार्टनर ऑफ एन अनरजिस्टर्ड फॉर्म कैन नॉट फाइल अ केस अगेंस्ट द पार्टनरशिप फॉर्म. तो कोई भी पार्टनर अनरजिस्टर्ड फॉर्म का है वो कोई भी केस फाइल नहीं कर सकता है कि पार्टनरशिप फॉर्म जो भी है उसमें कोई भी पार्टनर कोई भी केस भी उसमें स्यू नहीं कर सकता है, कोई भी केस फाइल नहीं कर सकता है. अ पार्टनर ऑफ एन अनरजिस्टर्ड फॉर्म कैन नॉट फाइल अ केस अगेंस्ट एनी अदर पार्टनर ऑफ द अनरजिस्टर्ड फॉर्म. तो कोई भी पार्टनर कोई है अनरजिस्टर्ड फॉर्म का, वो कोई भी केस भी फाइल नहीं कर सकता, और कोई भी अदर पार्टनर है अनरजिस्टर्ड फॉर्म का, ठीक है, वो पार्टनरशिप फॉर्म को भी केस नहीं कर सकता है, दूसरे पार्टनर को भी वो केस नहीं कर सकता है. एंड अनरजिस्टर्ड फॉर्म कैन नॉट फाइल अ सूट अगेंस्ट एनी थर्ड पार्टी और द आउटसाइडर फॉर द रिकवरी ऑफ द क्लेम. ठीक है, कोई भी अनरजिस्टर्ड फॉर्म है वो कोई भी केस क्या फाइल नहीं कर सकती है, थर्ड पार्टी कोई भी आउटसाइडर है उसके अगेंस्ट फॉर द रिकवरी ऑफ क्लेम. कोई भी हुआ है, कोई भी कंसिक्वेंसेज और कोई भी सरकमस्टांसेस की वजह से अगर उसको कोई भी रिकवरी करनी है फ्रॉम द आउटसाइडर, तो अगर फॉर्म रजिस्टर्ड नहीं है तो ये भी उसको फैसिलिटी अवेलेबल नहीं होगी. नेक्स्ट इज द अनरजिस्टर्ड फॉर्म कैन नॉट फाइल अ केस अगेंस्ट एनी ऑफ द पार्टनर. कि जो अनरजिस्टर्ड फॉर्म है वो भी कोई भी केस फाइल नहीं कर सकती है एनी ऑफ द पार्टनर. कि कोई भी पार्टनर क्या है कुछ मिसबिहेव करता है या डिसलॉयल हो जाता है, तो अगर फॉर्म क्या है रजिस्टर्ड नहीं है तो वो कोई भी केस भी फाइल नहीं कर सकती है. ठीक है, देन द प्रोसीजर फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ द पार्टनरशिप फॉर्म. कि प्रोसीजर क्या है कि फॉर द रजिस्ट्रेशन, पार्टनरशिप फॉर्म में अगर रजिस्ट्रेशन कराना है तो उसका प्रोसीजर क्या है. सो पार्टनरशिप फॉर्म कैन बी रजिस्टर्ड एनी टाइम. जो भी पार्टनरशिप फॉर्म है वो क्या है, वो कभी भी रजिस्टर्ड हो सकती है. That is at the time of formation or later on whenever partner desire to get it registered. कि ये अगर जब भी partnership start हुई तब भी हो सकता है या बाद में भी हो सकता है, जब भी partner क्या है desire करता है कि वो registration कराए. To get the firm registered the partner have to apply to the registrar. ठीक है, अगर firm को क्या करना है registration कराना है, उस condition पे क्या है partner को क्या है registrar office में क्या करना पड़ेगा, अप्लाई करना पड़ेगा इन अ प्रिस्क्राइब फॉर्म, किसी प्रिस्क्राइब फॉर्म में अलॉन्ग विद द रजिस्ट्रेशन फीस. उसमें क्या है रजिस्ट्रेशन फीस भी लगेगी. सो अलॉन्ग विद द एप्लीकेशन ऑफ द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन मस्ट बी सप्लाई. ठीक है, उस एप्लीकेशन के साथ ये सारी इन्फॉर्मेशन भी सप्लाई होगी. फर्स्ट वन इज नेम ऑफ द फॉर्म, फॉर्म का नेम क्या है. सेकेंड द प्रिंसिपल प्लेस ऑफ द बिजनेस ऑफ द फॉर्म. कि जो भी हेड ऑफिस कहाँ है जहाँ पे भी पार्टनरशिप फॉर्म ओपन हुई है, द प्रिंसिपल प्लेस जब मेन प्लेस कहाँ है बिजनेस का फॉर्म जो भी फॉर्म है उसका. नेक्स्ट इज द नेम ऑफ द एनी अदर प्लेस वेयर फॉर्म विल कैरिंग ऑन द बिजनेस. ठीक है, उसके जो भी अदर ब्रांचेज हैं, फॉर एग्जांपल वाराणसी में उसका मेन शॉप मेन उसका फॉर्म वो है बिजनेस है मतलब हेड ऑफिस है, और अगर वो किसी और स्टेट में क्या है या किसी और सिटी में भी उसकी वो है ब्रांच है, तो उसको उसका भी नाम देना पड़ेगा. डेट ऑफ एडमिशन ऑफ द पार्टनर्स इन द फॉर्म. जो भी पार्टनर्स आए हैं फॉर्म में उन किस किस डेट को आए हैं ये भी देना पड़ेगा. नेम एंड द परमानेंट एड्रेस ऑफ ऑल द पार्टनर. कि जो भी नेम क्या है पार्टनर का और उनका एड्रेसेस क्या है. एंड द ड्यूरेशन ऑफ द फॉर्म. कि जो भी फॉर्म है वो किस ड्यूरेशन के लिए है, कितने दिन के लिए बनी, 5 ईयर की 10 ईयर की,
लॉन्ग टाइम के लिए बनी तो ये सारा उसको क्या करना पड़ेगा, ये सारी इंफॉर्मेशन देनी पड़ेगी. सो द एप्लीकेशन मस्ट बी साइन बाय दी ऑल पार्टनर. ये जो एप्लीकेशन है वो कौन साइन करेगा, जितने भी पार्टनर हैं वो सारे साइन करेंगे. द रजिस्ट्रार विल वेरीफाई द अबव सेड इंफॉर्मेशन. जो रजिस्ट्रार है वो क्या करेगा, वो सारी इंफॉर्मेशन जो गिवन है उसको वेरीफाई करेगा. एंड इफ़ सेटिस्फाइड विद द ऑथेंटिसिटी ऑफ द इंफॉर्मेशन, अगर जो रजिस्ट्रार है वो जो भी इंफॉर्मेशन दिया है उसको ये लगेगा कि ये ऑथेंटिक है, जेन्युइन है, देन ही विल इशू अ सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन. उस कंडीशन पे क्या है, वो सर्टिफिकेट रजिस्ट्रेशन का उसको इशू कर देगा. द सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन इज़ एन एविडेंस ऑफ द एग्जिस्टेंस ऑफ द फर्म. जो भी रजिस्ट्रेशन का उसको सर्टिफिकेट मिलेगा वो एक एविडेंस होगा कि फर्म अब एग्जिस्ट करी है, एंड फर्म गेट्स बेनिफिट ऑफ द रजिस्टर्ड फर्म. और फर्म को क्या है, सारे जो भी रजिस्टर्ड फर्म है उसके सारे बेनिफिट्स भी मिलने लगेंगे. सो आफ्टर रजिस्ट्रेशन, रजिस्ट्रेशन के बाद इफ़ एनी चेंज आर मेड इन द इंफॉर्मेशन, ठीक है, रजिस्ट्रेशन के बाद कोई भी अगर चेंज करना है इंफॉर्मेशन में सबमिटेड विद द रजिस्ट्रार, जो भी रजिस्ट्रार के साथ सबमिट है, देन द सेम चेंज मस्ट बी कम्युनिकेटेड टू द रजिस्ट्रार. तो ये सारी अगर कोई पार्टनरशिप फॉर्म में चेंज हो रहा है तो ये सारी इन्फॉर्मेशन उनको जाके, जो भी पार्टनरशिप फॉर्म है, जाके तुरंत ही उनको रजिस्ट्रार ऑफिस में भी कम्युनिकेट करना होगा, बताना होगा, क्योंकि अगर कल कुछ हुआ तो फिर वो लोग रिस्पॉन्सिबल उसके लिए नहीं होंगे. तो सबसे पहले पार्टनरशिप फॉर्म, जो भी पार्टनरशिप होगी, फॉर्म होगी, उसको जाके अगर कोई भी चेंजेस हो रहा है तुरंत जाके उसको इन्फॉर्मेशन रजिस्ट्रार को देना पड़ेगा, ठीक है. सो इट इज़ योर पार्टनरशिप फॉर्म. नाउ द नेक्स्ट वॉट वी आर गोइंग टू स्टार्ट, इट इज़ दी कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन. सो वर्किंग टुगेदर एंड विद अदर फॉर अ कॉमन पर्पस. इसका मतलब, कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन का मतलब क्या हो गया, वर्किंग टुगेदर, कि साथ काम करें, एंड विद अदर, अदर के साथ भी काम करें, फॉर अ कॉमन पर्पस. जो उनका पर्पस है, ऑब्जेक्टिव है, वो क्या है, कॉमन है. सो अ कोऑपरेटिव फॉर्म ऑफ बिजनेस इज डिफरेंट फॉर्म ऑफ बिजनेस इंटरप्राइजेस. जो भी कोऑपरेटिव फॉर्म है बिजनेस का, ये क्या है, डिफरेंट फॉर्म ऑफ बिजनेस इंटरप्राइज. इन दिस फॉर्म द मेन मोटिव इज़ नॉट अर्निंग प्रॉफिट. इसका जो मेन मोटिव होता है ये प्रॉफिट अर्न करने का नहीं होता है, बट द मेन मोटिव ऑफ द कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन इज म्यूचुअल हेल्प. जो मेन मोटिव है कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन का, वो क्या है, म्यूचुअल हेल्प करना, लोगों की हेल्प करना. इट वर्क विद द प्रिंसिपल ऑफ ईच फॉर ऑल एंड ऑल फॉर ईच. ये किस प्रिंसिपल के साथ काम करता है, मतलब एक इंडिविजुअल क्या है, सबके लिए है, और सब लोग एक के लिए, मतलब बेसिकली क्या है, वेलफेयर के लिए और हेल्प के लिए ये क्या होते हैं, कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, ठीक है. सो द कोऑपरेटिव सोसाइटी और द ऑर्गेनाइजेशन इज वॉलेंट्री एसोसिएशन. ये क्या होता है, वॉलेंट्री एसोसिएशन होता है ऑफ अ पर्सन हु ज्वाइन टुगेदर फॉर द म्यूचुअल हेल्प, ठीक है. तो ये क्या होता है, एसोसिएशन होता है, बेसिकली क्या हो, लोग क्या ज्वाइन करते हैं फॉर द म्यूचुअल हेल्प, लोगों की हेल्प करने के लिए. अ मिनिमम ऑफ 10% आर रिक्वायर्ड टू फॉर्म अ कोऑपरेटिव सोसाइटी, ठीक है. कोई भी कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाने के लिए मिनिमम क्या है, 10 मेंबर्स की रिक्वायरमेंट है. सो द रजिस्ट्रेशन ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी इज कंपल्सरी. जो भी रजिस्ट्रेशन है कोऑपरेटिव सोसाइटी का, वो क्या है, कंपल्सरी है. एंड द कैपिटल ऑफ द कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन इज कंट्रीब्यूटेड बाई मेंबर्स. ओके, जो भी कैपिटल कंट्रीब्यूट होगा कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन में, वो क्या है, वो सारे मेंबर कंट्रीब्यूट करेंगे ओनली इन द फॉर्म ऑफ शेयर कैपिटल. शेयर कैपिटल के फॉर्म में ही क्या करेंगे, वो लोग कंट्रीब्यूट करेंगे. द कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन कैन रेज लोन ऑल्सो फ्रॉम द बैंक. जो कोऑपरेटिव सोसाइटी है वो लोन भी रेज कर सकती है बैंक्स के थ्रू, कि अगर उन्हें लोन लेना है तो वो लोन क्या है, बैंक के थ्रू भी ले सकती है. ओके सॉरी, सो डेफिनेशन इज गिवन बाय द डिफरेंट ऑथर. नाउ द फर्स्ट वन इज इंडियन कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 1912 के अकॉर्डिंग कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन इज अ सोसाइटी. कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन क्या होती है, सोसाइटी होती है विच हैज़ इट्स ऑब्जेक्टिव फॉर द प्रमोशन ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ द इट्स मेंबर. कि जिनका एक मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है, कि लोगों के जो भी मेंबर्स हैं उनके इकोनॉमिक इंटरेस्ट को क्या करना, प्रमोट करना इन अकॉर्डेंस विद द कोऑपरेटिव प्रिंसिपल. किसके रिलेशन के साथ, कोऑपरेटिव प्रिंसिपल जितने हैं उसके अकॉर्डिंग जितने भी इकोनॉमिक इंटरेस्ट है मेंबर्स को, उसको भी प्रमोट करना. नेक्स्ट आपका क्या कह रहा है, कोऑपरेटिव इज़ अ फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. कोऑपरेटिव क्या है, ऑर्गेनाइजेशन का फॉर्म है
वेयर इन पर्सन वॉलेंटरी एसोसिएट टुगेदर, जिसमें क्या है पर्सन क्या है वॉलेंटरी, मतलब खुद के इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग क्या है टुगेदर हो रहे हैं एज अ ह्यूमन बींग्स ऑन द बेसिस ऑफ इक्वालिटी, मतलब एज अ ह्यूमन बींग वो इक्वालिटी को क्या करें प्रेफर करें फॉर द प्रमोशन ऑफ द इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ द देमसेल्फ, इसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट उन प्रमोशन करना है किसको उन लोग के इकोनॉमिक इंटरेस्ट को, ठीक है। एक डेफिनेशन इज गिवन बाय द ILO दैट इज इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। सो अ कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन इज एन एसोसिएशन ऑफ अ पर्सन, एक कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन क्या होती है एसोसिएशन होती है पर्सन का, यूजुअली ऑफ द लिमिटेड मींस, जो भी मींस हैं जो भी रिसोर्सेज हैं उसमें क्या होते हैं लिमिटेड होते हैं, हु हैव वॉलेंटरी ज्वाइन टुगेदर, वो है क्या विथ ओन इंटरेस्ट वो क्या करते हैं ज्वाइन करते हैं टू अचीव अ कॉमन इकोनॉमिक एंड, और उनका जो भी कॉमन ऑब्जेक्टिव होता है वो उसको अचीव करने के लिए थ्रू द फॉर्मेशन ऑफ डेमोक्रेटिकली कंट्रोल्ड बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, कि कैसे फॉर्मेशन होता है कि वो क्या होता है डेमोक्रेटिकली, मतलब उसमें सबका पार्टिसिपेशन होता है, बहुत प्रेशर नहीं होता कि ये सबके लिए होता है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, मेकिंग इक्विटेबल कंट्रीब्यूशन ऑफ द कैपिटल रिक्वायर्ड, जिसमें कंट्रीब्यूशन जो भी कैपिटल का होता है वो भी इक्वली होता है, एंड एक्सेप्टिंग अ फेयर शेयर ऑफ द रिस्क, और एक्सेप्ट क्या करते हैं जो भी रिस्क है उसको भी क्या करते हैं शेयर करते हैं, एंड बेनिफिट्स ऑफ द अंडरटेकिंग, जो भी अंडरटेकिंग है उसके बेनिफिट्स को भी वो लोग लेते हैं। ओके, नाउ द नेक्स्ट इज फीचर्स ऑफ द कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन, की फीचर्स क्या हैं। सो फर्स्ट वन इज वॉलेंट्री एसोसिएशन, लीगल स्टेटस, लिमिटेड लाइबिलिटी, कंट्रोल, सर्विस मोटिव एंड द इक्वल वोटिंग राइट्स। सो द फर्स्ट वन इज वॉलेंट्री एसोसिएशन, सो द कोऑपरेटिव सोसाइटी इज अ वॉलेंट्री एसोसिएशन ऑफ अ पर्सन, ठीक है। कोऑपरेटिव जो सोसाइटी होती है वो क्या होती है वॉलेंट्री एसोसिएशन होता है। सो एनी पर्सन कैन ज्वाइन द कोऑपरेटिव सोसाइटी, कोई भी पर्सन क्या है वो कोऑपरेटिव सोसाइटी को ज्वाइन कर सकता है इफ ही और शी हैज़ अ कॉमन इंटरेस्ट, अगर ही और शी जो भी है उसको एक कॉमन इंटरेस्ट है, वो कोई भी हो वो ज्वाइन कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल एनी फार्मर कैन ज्वाइन द एग्रीकल्चरल सोसाइटी और एनी कंज्यूमर कैन ज्वाइन द कंज्यूमर सोसाइटी, कि कोई भी फार्मर क्या है वो एग्रीकल्चर सोसाइटी को ज्वाइन कर सकता है, कोई भी कंज्यूमर कंज्यूमर सोसाइटी को भी ज्वाइन कर सकता है। सो द मेम्बर्स कैन लीव द सोसाइटी वेन एवर दे डिज़ायर, कि जो मेम्बर हैं वो सोसाइटी को लीव भी कर सकते हैं जब भी उन्हें डिज़ायर है, जब भी उनका मन नहीं है वहाँ पर रहने का तो उसको लीव भी कर सकते हैं बाई गिविंग अ नोटिस, एक नोटिस दे के वो लीव भी कर सकते हैं। देर इज़ नो रिस्ट्रिक्शन ऑन द एंट्री और द एग्जिट ऑफ मेम्बर, कि वहाँ पर कोई भी एंट्री और एग्जिट मेम्बर का कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है, दे कैन ज्वाइन और लीव द कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन ऑफ देयर ओन विल एंड विश, कि वो क्या है कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन को एंटर भी कर सकते हैं, ज्वाइन भी कर सकते हैं और लीव भी कर सकते हैं विद देयर ओन विल एंड विश, अपने विश और अपने विल के अकॉर्डिंग वो आ भी सकते हैं और जा भी सकते हैं। सो द मेंबरशिप इज ओपन टू ऑल द मेंबर इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर कास्ट क्रीड एंड रिलीजन, जो भी मेंबरशिप है वो सबके लिए ओपन है इन इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर कास्ट, वो चाहे जिस कास्ट से भी हों जिस क्रीड से भी रिलेटेड हों और जिस रिलीजन से भी रिलेटेड हों, ये कोई मैटर नहीं करता, जो भी इंटरेस्ट है इंटरेस्टेड है दे कैन ज्वाइन। ओके, सो नेक्स्ट वन इज लीगल स्टेटस। इट इज़ कंपल्सरी फॉर द कोऑपरेटिव सोसाइटी टू गेट इट्सेल्फ रजिस्टर्ड अंडर द कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट, ये क्या है ये एकदम कंपल्सरी है कोऑपरेटिव सोसाइटी को कि वो रजिस्टर्ड किसके अंडर हो, कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट के अंडर रजिस्टर हो। आफ्टर रजिस्ट्रेशन द कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन गेट अ सेपरेट लीगल एंटिटी, कि रजिस्ट्रेशन के बाद जो भी कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन है वो सेपरेट लीगल एंटिटी हो जाएगा, विच मीन्स कोऑपरेटिव सोसाइटी इज़ कंसिडर्ड सेपरेट फ्रॉम इट्स मेंबर, वो क्या है कोऑपरेटिव सोसाइटी क्या है वो सेपरेट है उनके मेंबर्स से। इट कैन बाय और सेल प्रॉपर्टी इन इट्स ओन नेम, वो क्या है अपने प्रॉपर्टी को बाय भी कर सकते हैं और सेल भी कर सकते हैं अपने ही नाम से, एंड कैन एंटर इंटू कॉन्ट्रैक्ट इन इट्स ओन नेम, और वो कॉन्ट्रैक्ट में भी क्या है अपने नाम के साथ आ सकते हैं। द डेथ इंसॉल्वेंसी एंड इनकैपेसिटी ऑफ एनी मेंबर
डज नॉट अफेक्ट द एग्जिस्टेंस ऑफ द कोऑपरेटिव सोसाइटी, कि अगर कोई भी मेंबर है उसकी डेथ हो जाती है, इनसॉल्वेंसी हो जाती है, इनकैपेसिटी हो जाती किसी भी मेंबर की, तो ये कोऑपरेटिव सोसाइटी के एग्जिस्टेंस को मैटर नहीं करता है। रोल, सो इन कोऑपरेटिव सोसाइटी द पावर टू टेक डिसीजन लाइज इन द हैंड ऑफ एन इलेक्टेड मैनेजिंग कमेटी। ओके, तो ये कोऑपरेटिव सोसाइटी में जो भी पावर होता है डिसीजन लेने का, वो क्या होता है, जो भी इलेक्टेड मैनेज कमेटी है उन्हीं के हैंड में होता है। द कमेटी इज इलेक्टेड थ्रू वोटिंग बाय द मेंबर्स। जो भी कमेटी के मेंबर्स हैं वो कैसे इलेक्ट होते हैं, बाय द वोटिंग, कि वहाँ पे वोटिंग होती है थ्रू विच द मेंबर्स ऑफ द कमेटी हैज बीन सेलेक्टेड। नेक्स्ट वन इज सर्विस मोटिव। सो द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द कोऑपरेटिव सोसाइटी इज टू प्रोवाइड सर्विस टू इट्स मेंबर। ठीक है, जो मेन मोटिव होता है कोऑपरेटिव सोसाइटी का वो क्या होता है कि जो भी मेंबर्स हैं उनको सर्विस प्रोवाइड करना है, नॉट टू अर्न प्रॉफिट, प्रॉफिट अर्न करना नहीं होता है, बट दे आर वांट टू प्रोवाइड द म्यूचुअल हेल्प। द अर्निंग प्रॉफिट इज द सेकेंडरी मोटिव, प्रॉफिट अर्न करना उनके लिए क्या होता है, सेकेंडरी मोटिव होता है, नॉट द मेन मोटिव ऑफ द कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन। उनका मेन मोटिव कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन का प्रॉफिट अर्न करना नहीं होता है। नेक्स्ट वन इज इक्वल वोटिंग राइट्स। सो द कोऑपरेटिव सोसाइटीज वर्क विद द डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल। जो कोऑपरेटिव सोसाइटी है वो वर्क किसके साथ करती, डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल मींस वन मैन वन वोट, एक सिंगल मैन है वो सिंगल वोट ही दे सकता है। सो ऑल द मेंबर्स गेट ओनली वन वोटिंग राइट, कि हर एक मेंबर जो ऑल द मेंबर्स हैं उनके पास एक ही वोटिंग राइट होती है, इरिस्पेक्टिव ऑफ कैपिटल कंट्रीब्यूटेड बाय देम, कि जितना उन्होंने कैपिटल कंट्रीब्यूट किया है। द रिच मेंबर बाय टेकिंग मोर शेयर्स कैन नॉट डिक्टेट देयर टर्म्स। अब जैसे जो रिच मेंबर हैं वो क्या है, ज़्यादा शेयर्स उसमें शेयर किए हैं, तो इसका ये मतलब नहीं कि कैन नॉट डिक्टेट देयर टर्म्स, उनके टर्म्स को सारा डिक्टेट कर सकते हैं। अ पर्सन हु हैज़ 100 शेयर्स एंड अ पर्सन हु हैज़ 10 शेयर विल गेट वन वोटिंग राइट ओनली। अब कोई भी पर्सन है, कोई रिच मेंबर है, उसने क्या है 100,000 शेयर्स को परचेज किया है, और कोई पर्सन है वो बस 10 शेयर को परचेज किया है, तो ऐसा नहीं होगा कि जो ज़्यादा शेयर्स को इन्वेस्ट किया है या लिया है तो उसको वोटिंग राइट ज़्यादा होगी, चाहे दोनों को ही वोटिंग राइट क्या होगी, एक ही होगी। नेक्स्ट इज मेरिट्स ऑफ द कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन। सो फर्स्ट वन इज इक्वालिटी इन द वोटिंग स्टेटस। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू सी द व्हाट आर दीज मेरिट ऑफ द कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन। फर्स्ट वन इज इक्वालिटी इन वोटिंग वोटिंग स्टेटस, लिमिटेड लाइबिलिटी, स्टेबल एग्जिस्टेंस, इकोनॉमिकल फंक्शनिंग, सपोर्ट फ्रॉम गवर्नमेंट, ईजी टू फॉर्म वन मेंबरशिप। ओके, सो वी विल स्टार्ट विद द इक्वालिटी इन द वोटिंग स्टेटस। सो द कोऑपरेटिव सोसाइटी वर्क विद द डेमोक्रेटिक सिस्टम। जो भी कोऑपरेटिव सोसाइटी होती है वो एक डेमोक्रेसी और डेमोक्रेटिक सिस्टम के साथ काम करती है। दे आर बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ वन मैन वन वोट। वो लोग ये जो कोऑपरेटिव सोसाइटी होती है ये इस प्रिंसिपल पे बेस होता है कि वन मैन है तो वो वन वोट ही देगा। ऑल मेंबर हैव इक्वल राइट, सारे जो मेंबर हैं उनके पास इक्वल राइट होती है, एंड इक्वल चांस टू पार्टिसिपेट इन द मैनेजमेंट, और उनके पास इक्वल चांस भी होती है कि मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट करें, इरिस्पेक्टिव ऑफ कैपिटल कंट्रीब्यूटेड बाय देम। ठीक है, जो भी जितना भी वो लोग कैपिटल कंट्रीब्यूट किए हैं। नेक्स्ट वन इज ओके, इसका ये मतलब नहीं है कि आप बेसिकली जितना लिमिट काउंट या जितना कैपिटल कंट्रीब्यूट किए हैं उसी के अकॉर्डिंग उन्हें वोटिंग राइट भी मिलेगी, ऐसा कुछ भी नहीं है, इसका कोई मतलब नहीं है, बट यहाँ पे क्या है कि वन मैन वन वोट ही होगा। नेक्स्ट इज लिमिटेड लाइबिलिटी। द लाइबिलिटी ऑफ मेंबर्स ऑफ द कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन इज लिमिटेड टू एक्सटेंट ऑफ देयर कैपिटल कंट्रीब्यूशन इन द कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन। जो भी लाइबिलिटी होती है मेंबर्स की कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन में इज लिमिटेड, वो लिमिटेड होती टू द एक्सटेंट, उस एक्सटेंट तक कि जितना भी उन्होंने कैपिटल कंट्रीब्यूट किया है ऑर्गेनाइजेशन में। एट द टाइम ऑफ लॉसेस द क्रेडिटर्स कैन नॉट हैव क्लेम ओवर द पर्सनल प्रॉपर्टी ऑफ द मेंबर। अगर लॉस हो जाता है तो जो भी क्रेडिटर्स हैं वो किसी भी मेंबर के पर्सनल प्रॉपर्टी पे क्लेम नहीं कर सकते। ठीक है, नेक्स्ट इज स्टेबल एग्जिस्टेंस। सो द कोऑपरेटिव सोसाइटी हैज़ अ
सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस, जो कोऑपरेटिव सोसाइटी होती है वो सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस, द डेथ, इंसॉल्वेंसी और इनकैपेसिटी ऑफ एनी मेंबर डज नॉट अफेक्ट द एग्जिस्टेंस ऑफ द सोसाइटी, कि किसी भी मेंबर की डेथ हो जाती है या इंसॉल्वेंसी हो जाती है, डैट ही और शी इज़ नॉट कैपेबल टू पे द ऑल द डेट एंड इनकैपेबल है वो, तो कोई भी सोसाइटी, कोऑपरेटिव सोसाइटी के एग्जिस्टेंस पे इसका अफेक्ट नहीं होगा. द कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन हैज़ अ स्टेबल एंड कंटिन्यूस लाइफ, जो कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन की जो लाइफ है वो क्या है, स्टेबल है और वो कंटिन्यूस है. इट मे कंटिन्यू फॉर एवर एंड एग्जिस्ट फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, वो लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम तक क्या है, एग्जिस्ट करेगी. नेक्स्ट इज इकोनॉमिकल फंक्शनिंग. सो द ऑपरेशन ऑफ कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन इज क्वाइट इकोनॉमिकल, जो ऑपरेशन है कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन का वो क्या है, इकोनॉमिकल है. एज मोस्ट ऑफ द एक्टिविटीज़ आर परफॉर्म बाय द मेंबर्स देमसेल्फ, कि जो भी सारी एक्टिविटीज़ है वो कौन परफॉर्म करता है, मेंबर्स ही करते हैं. वाइल परचेजिंग गुड और रॉ मटेरियल मिडिल मैन आर एलिमिनेटेड, कि कोई भी अगर गुड्स को परचेज करना है या कोई रॉ मटेरियल को परचेज करना है तो जो भी मिडिल मैन है, मिडिल मैन आपके क्या कौन से होते हैं, होलसेलर और रिटेलर, उनको क्या है, उनको एलिमिनेट किया जाता है सो दैट दे कैन गेट द रॉ मटेरियल और वो ईजिली क्या है, रॉ मटेरियल को ले लें एंड गुड्स एट द लो कॉस्ट, कि रॉ मटेरियल और गुड्स को वो लो कॉस्ट में ले लें. बस अगर वही क्या है आपका होल सेलर और रिटेलर से होके जाता है तो वही जो प्रोडक्ट है वो क्या होता है, रॉ मटेरियल, कॉस्टली हो जाता है. बट यहाँ पे क्या है, जो भी मिडिल मैन है उनको एलिमिनेट किया जाता है. द कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन डू नॉट मेंटेन लार्ज स्टॉक, जो भी कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन होती है वो लोग लार्ज स्टॉक को मेंटेन नहीं करते हैं. ड्यू टू कैश ट्रेडिंग दे आर नो बैड डेट्स, कि वो लोग जो भी ट्रांजेक्शन्स कर रहे हैं वो भी क्या है, कैश में ही कर रहे हैं, तो यहाँ पे बैड डेट की भी प्रॉब्लम नहीं होती कि कोई पर्सन और मेंबर क्या है वो सारे लोन को पे नहीं कर पाए. देयर इज़ सेविंग इन एडवर्टाइजिंग एंड सेलिंग एक्सपेंसेस ऑल्सो, इसमें ये भी चांसेस है कि ये क्या एडवर्टाइजिंग नहीं करनी पड़ती, एडवर्टीजमेंट नहीं होता और सेलिंग एक्सपेंसेस भी नहीं होता. तो ये जो कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन है वो क्या है, स्टेबल है एज वेल एज इकोनॉमिकल है. नाउ द नेक्स्ट इज इकोनॉमिकल फंक्शनिंग. द ऑपरेशन ऑफ ए कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन इज क्वाइट इकोनॉमिकल, कि जो भी ऑपरेशन है कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन का वो क्या है, बहुत इकोनॉमिकल है. एज मोस्ट ऑफ द एक्टिविटीज़ आर परफॉर्म बाय द मेंबर्स देमसेल्फ. ओके, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस दिस वन. ओके, नेक्स्ट वन इज सपोर्ट फ्रॉम द गवर्नमेंट. द कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन गेट वेरियस बेनिफिट्स फ्रॉम द गवर्नमेंट, जो कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन होती है वो क्या है, बहुत वेरियस बेनिफिट्स उन्हें कहाँ से मिलता है, गवर्नमेंट से मिलता है. द गवर्नमेंट प्रोवाइड वेरियस कंसेशन एंड रीबेट इन द टैक्सेस, जो गवर्नमेंट है वो क्या करती है, डिफरेंट काइंड ऑफ कंसेशन और डिस्काउंट्स भी प्रोवाइड करती है टैक्सेस में. दीज ऑर्गेनाइजेशन कैन गेट रॉ मटेरियल एक्सेट्रा एट दी सब्सिडाइज्ड रेट. ये जो सारी ऑर्गेनाइजेशन है वो रॉ मटेरियल क्या है, सब्सिडाइज्ड रेट में, मीन सब्सिडी में वो सारे को मिल जाता है. गवर्नमेंट ऑफर्स लोन एट अ लोअर रेट ऑफ इंटरेस्ट, गवर्नमेंट क्या करती है, लोन भी ऑफर करती है एट लो रेट ऑफ इंटरेस्ट, रेट ऑफ इंटरेस्ट भी कम होता है, ऑन द ईजी टर्म्स एंड कंडीशन, और जो टर्म्स एंड कंडीशंस होते हैं कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन के वो भी बहुत सिंपल और ईजी होते हैं. नेक्स्ट वन इज ईजी टू फॉर्म. सो द फॉर्मेशन ऑफ कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन इज वेरी सिंपल प्रोसेस, जो फॉर्मेशन है कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन का वो बहुत ही सिंपल है. ओनली 10 एडल्ट मेंबर हैविंग कॉमन इंटरेस्ट आर रिक्वायर्ड टू फॉर्म इट, कि उसमें क्या है, 10 एडल्ट मेंबर चाहिए जिसके इंटरेस्ट क्या हो, कॉमन हो, वैसी पर्सन और मेंबर की रिक्वायरमेंट है. द रजिस्ट्रेशन प्रोसीजर फॉर कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन इज़ वेरी सिंपल एंड डज नॉट इन्वॉल्व एनी लीगल फॉर्मेलिटी. ठीक है, जो रजिस्ट्रेशन है कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन का वो भी बहुत सिंपल है और कोई भी लीगल फॉर्मेलिटीज़ की इसमें नीड नहीं. नेक्स्ट है आपका ओपन मेंबरशिप. एनी पर्सन हैविंग कॉमन इंटरेस्ट कैन बिकम द मेंबर ऑफ द कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन. कोई भी मेंबर जिसका क्या हो, कॉमन इंटरेस्ट हो, वो क्या है, मेंबर बन सकता है ऑर्गेनाइजेशन का. देयर इज़ नो रिस्ट्रिक्शंस ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, क्रीड एंड रिलीजन. कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि वो किस कास्ट से बिलोंग करता है, किस रिलीजन से बिलोंग करता है. द पर्सन कैन ज्वाइन एंड लीव द कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन
whenever they desire so. ठीक है, कोई भी पर्सन ज्वाइन भी कर सकता है और लीव भी कर सकता है जब भी उसको डिज़ायर है. जब उसे है कि उसे एंट्री लेना है तो एंट्री भी कर सकता है, और वो जब उसको लेफ्ट करना चाहता है ही और शी कैन ईजली लेफ्ट दैट कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन. नाउ द नेक्स्ट वन इज़ सॉरी नाउ द नेक्स्ट वन इज़ डी मेरिट्स एंड द डिसएडवांटेजेस ऑफ द कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन. फर्स्ट वन इज़ लिमिटेड कैपिटल. लिमिटेड कैपिटल, इनएफिशिएंट मैनेजमेंट, लैक ऑफ सीक्रेसी, एक्सेसिव गवर्नमेंट कंट्रोल, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन और कॉन्फ्लिक्ट अमंग दी मेंबर्स. सो फर्स्ट वन इज लिमिटेड कैपिटल. सो द कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन इज फॉर्म्ड बाय द पीपल. जो कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन होता है उसे कौन फॉर्म करता है? पीपल फॉर्म करते हैं हु हैव लिमिटेड रिसोर्सेज. जिनके रिसोर्सेज क्या होते हैं? लिमिटेड होते हैं. एंड देर इज़ नो कंपल्शन टू कंट्रीब्यूट सम मिनिमम अमाउंट ऑफ कैपिटल टू बिकम अ मेंबर. और यहाँ पे कोई भी ऐसा कंपल्शन भी नहीं है कि मिनिमम अमाउंट ऑफ कैपिटल आपको इन्वेस्ट करना ही पड़ेगा टू बिकम अ मेंबर, मेंबर बनने के लिए. द प्रिंसिपल ऑफ वन मैन वन वोट ऑल्सो डिस्करेज पीपल टू इन्वेस्ट मोर. ठीक है, जो प्रिंसिपल है यहाँ पे वन मैन वन वोट ही करता है, ये डिस्करेज करता है पीपल को टू इन्वेस्ट मोर, कि वो ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्ट करें कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन में. सो कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन ऑलवेज फेस अ शॉर्टेज ऑफ कैपिटल. जो कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन है वो हमेशा ही शॉर्टेज फेस करती है कैपिटल की ड्यू टू लो रेट ऑफ रिटर्न. जो रेट ऑफ रिटर्न है, जो रिटर्न वापस मिलता है उसमें भी क्या है, बहुत कमी है, क्योंकि कोई इन्वेस्टमेंट भी नहीं करता है. नेक्स्ट वन है आपका इनएफिशिएंट मैनेजमेंट. सो द कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन इज मैनेज बाय इट्स मेंबर ओनली. जो कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन है उसे कौन मैनेज करता है? इसके मेंबर करते हैं. जनरली ऑल दी एक्टिविटीज़ आर परफॉर्म बाय दी मेंबर्स ओनली. तो जो भी एक्टिविटीज़ है वो कौन करता है? मेंबर्स ही करते हैं. दीज मेंबर आर नॉट प्रोफेशनल एक्सपर्ट. ये जो मेंबर हैं ये कोई भी प्रोफेशनली एक्सपर्ट नहीं होते हैं. दे आर इनएक्सपीरियंस पर्सन. ये क्या है? उनके पास कोई एक्सपीरियंस भी नहीं होता है. द कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन कैन नॉट अफोर्ड टू पे हाई सैलरी टू प्रोफेशनल एंड क्वालिफाइड पीपल. जो कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन है दे आर नॉट एबल एंड दे आर कांट अफोर्ड अ पे हाई सैलरी. वो इतना अफोर्ड भी नहीं कर पाते हैं कि हाई सैलरी किसी भी प्रोफेशनल और क्वालिफाइड पीपल को वो क्या करे, एम्प्लॉय करे अपनी कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन में और उन्हें हाई सैलरी पे करे. नेक्स्ट वन इज लैक ऑफ सीक्रेसी. सो इन कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन देयर आर ओपन डिस्कशन इन द मीटिंग बाय द मेंबर्स. ठीक है, इन कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है? ओपन डिस्कशन होता है मीटिंग में इसके मेंबर्स जो होते हैं. सो इट इज़ डिफ़िकल्ट टू मेंटेन सीक्रेसी. तो ये डिफ़िकल्ट हो जाता है कि वो सीक्रेसी मेंटेन रहे अबाउट द ऑपरेशन ऑफ द कोऑपरेटिव सोसाइटी, कि जो भी ऑपरेशन है कोऑपरेटिव सोसाइटी के उसके ऑपरेशन में वो सीक्रेसी मेंटेन नहीं हो पाती. तो लैक ऑफ सीक्रेसी इज ऑल्सो देयर. नेक्स्ट वन इज एक्सेसिव गवर्नमेंट कंट्रोल. एज कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन गेट वेरियस कंसेशन, कि गवर्नमेंट क्या है, कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन को वेरियस कंसेशन मिलता है एंड बेनिफिट फ्रॉम दी गवर्नमेंट. गवर्नमेंट के थ्रू भी इसको बेनिफिट मिलता है. इन रिटर्न देयर इज़ एक्सेसिव गवर्नमेंट रेगुलेशन. उसके रिटर्न में गवर्नमेंट क्या करती है, बहुत ज़्यादा एक्सेसिव रेगुलेशंस, रूल एंड रेगुलेशन उन पर पुश कर देती है एंड कंट्रोल बाय दी गवर्नमेंट. और कंट्रोल ही गवर्नमेंट ही करती है. इट इज़ इसेंशियल फॉर दी कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन टू गेट इट्स अकाउंट ऑडिटेड बाई दी ऑडिटर ऑफ दी कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट. ठीक है, ये क्या है, इसेंशियल है किसी भी कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन के लिए कि वो अपने अकाउंट्स को ऑडिट करवाए किससे, जो भी ऑडिटर्स होते हैं, मतलब सारे उनके अकाउंट्स को वो आके चेक कराए. तो ये उनके लिए इसेंशियल हो जाता है बाई दी कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट एंड सबमिट इट अकाउंट विद दी रजिस्ट्रार. और जो भी उन्होंने अकाउंट को चेक किया उस अकाउंट को वो रजिस्ट्रार के साथ सबमिट में करें. सो ऑल दीज रेगुलेशन, ये सारे रेगुलेशन क्या करते हैं, ऑल दीज रेगुलेशन रिस्ट्रिक्ट दी फ्लेक्सीबिलिटी एंड एफिशियंसी ऑफ कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन. ये क्या करता है, फ्लेक्सीबिलिटी को रिस्ट्रिक्ट करता है एंड जो भी कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन की एफिशियंसी है उसको भी. नेक्स्ट वन इज़ डिफरेंस इन ओपिनियन,
difference of opinion or conflict among the members. So quite often the dispute arises among the managing committee. तो क्या है कि जो dispute हो जाता है वो arise हो जाता है different managing committee के बीच में and members in the cooperative organization. जो भी managing committee है और जो members हैं cooperative organization के उनके बीच में disputes भी arise हो जाता है. The member are from the different section of the society. जो भी members हैं वो क्या होते हैं, सोसाइटी के डिफरेंट सेक्शन से आते हैं. दे आर ऑल्सो बिलोंग फ्राम द डिफरेंट सेक्शन ऑफ द सोसाइटी. सो दे मे हैव डिफरेंस ऑफ ओपिनियन. अब उनकी क्या होती है, जो ओपिनियन भी होती है वो भी डिफरेंस और डिफरेंट होती है. एंड इफ़ एनी मेंबर फॉलो रिजिड एटीट्यूड, अगर कोई भी मेंबर उसमें रिजिड एटीट्यूड फॉलो करेगा, इट कैन लेड टू कॉन्फ्लिक्ट एंड डिस्प्यूट. अब इसका रिजल्ट क्या होगा कि वहाँ पे कन्फ्लिक्ट भी हो जाएगा और डिस्प्यूट्स भी हो सकते हैं. सो जनरली द सेल्फिश मोटिव ऑफ द मेंबर्स स्टार्ट डोमिनेटिंग. तो जो भी सेल्फिश मोटिव होता है किसी मेंबर का, वो क्या करते हैं, डोमिनेट करने लगते हैं एंड दे फॉरगेट द सर्विस मोटिव. अब जो ये मेन मोटिव कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन लेके चल रही थी फॉर द म्यूचुअल हेल्प, वहाँ पे क्या हो जाता है, वो ये सर्विस मोटिव को क्या कर जाते हैं, फॉरगेट कर